खबर रामपुर से, जहां सपा जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कोतवाली सिविल में तहरीर दी है। सांसद आजम खान की मौत की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर प्रचार करने वालों के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाली सिविल लाइन कोतवाल बोले, जांच कराकर की जाएगी कार्रवाई। सपा कार्यकर्ताओं ने की मांग की जल्द से जल्द अफवाह उड़ाने वाले गिरफ्तार हों। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार से नवीन जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए प्रकरण, ये तो सभी को मालूम है कि आजम खान साहब इस समय मेधांता लखनऊ में अस्पताल में एडमिट हैं। और कल शाम एक ऐसी खबर वायरल हुई जो हमारे मुंह से तो अच्छी लगेगी नहीं, किसी को सुनना भी पसंद नहीं था। पूरे रामपुर में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया और उन लोगों ने एक बड़ी मायूसी हुई और सब जिसका जो सोच था उसकी जानकारी के लिए कि ये खबर सही है। लेकिन इतने जिस किसी ने भी ये षड्यंत्र रचा है, हम उसी सिलसिले में सिविल लाइन थाने आए हैं। हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कितने लोगों के खिलाफ आपने लिख करके दिया है? नहीं, अभी तो देखिए हमने खिलाफ लिख के क्या, हम तो ये चाहते हैं जो भी लोग हों, दो हों, चार हों, छः हों, जो भी इसके पीछे षड्यंत्रकारी हों, पुलिस का काम है उसकी जाँच करें। जो हमारे सोर्स थे, हमारे जो हमें जानकारी थी वो हमने उनको दे दिया है, सबूत के तौर पर भी दिया है। पुलिस उसकी जाँच कर ले, बस हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो आगे। और इतनी मानवता को बिल्कुल शर्मसार कर दिया जो खबरें इस तरह की। कोरोना का माहौल चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, हर आदमी दुखी है और लोगों को ऐसी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए।